नहीं नहीं ये बहुत अच्छा गाना है और सबसे बड़ी बात है इन्होंने गाया बहुत दिल से है ये मतलब बहुत अच्छा है जिसमें एक फीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि एक इमोशंस हैं वर्ड्स को एक जो एक्सप्रेशन मिलता है वो परफेक्टली आया है थैंक यू वो ये गाते भी बहुत अच्छा है और फील तो है ही इनमें तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि विपिन जी ने गाना गाया मेरा आज एक बात और बता दूं मीडिया के सामने कि ये हमारे दोनों जिन्होंने म्यूजिक दिया है ये भी बहुत ही बखूबी गाते हैं बहुत कमाल के सिंगर हैं और ये देविंदर जी जिनको आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं ये खुद बहुत अच्छा गाते हैं आप इनसे ज़रूर एक लाइन सुनिए अंखियाँ की एक हो जाए लाइन अंखियाँ रोंदियाँ ने मेरा दिल रोंदा है जद भी दूर अंखियाँ तो मेरा यार हुंदा है बस जी क्या बात है ब्यूटीफुल जी टाइम लगा इसको बनाने में और किस किस ने गाए हैं जी गाया विपिन जी ने है और बैकिंग वोकल्स जूही और पल्लवी ने किए हैं तो गाने का बनने का जो प्रोसेस था वो बहुत समय ले गया क्योंकि विपिन जी की मुझे ऐसा लगता है विपिन जी की वॉइस बहुत सोलफुल है और इस तरह के जो मीठे सैड और रोमांटिक सॉन्ग्स हैं उन पर बहुत कमाल का असर करती है तो हम कंफ्यूज थे कि पहले ही सीधा हम बीट सॉन्ग के साथ मार्केट में आए बट हमें लगा नहीं इसके अंदर विपिन जी जो कमाल कर सकते हैं इस तरह की ट्यून्स पर जो कमाल कर सकते हैं तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको 2 से 3 महीने के अंदर इस ट्रैक को रेडी होने में समय लगा पहले हम लोग एक रफ ट्यून बनाए देवेंद्र जी आए फिर इसे लिखा गया देन ऑल जो इंस्ट्रूमेंट्स आप सब सुन रहे हैं इस गाने में सब लाइव बचे हैं तो उसके प्रोसेस को 2 से 3 महीने का समय लग गया करते हुए बल्कि एक और भी चीज़ थी कि ये पहले हमने अभी जो इसमें रिदम सुनी जा रही है वो पहले नहीं थी पहले सिर्फ हमने इसको एक जिसे कहते हैं विभास क्या बोलेंगे अनप्लग्ड स्टाइल था और फिर धीरे धीरे जैसे फीडबैक आया तो हमने उसमें फिर रिदम ऐड करी थोड़ा सा और उसको स्प्रूस अप किया तो पूरे प्रोसेस में लग गया लगभग 2-3 महीने लग गए इस गाने को बनने में एक्चुअली विपिन जी का मैं तो ये कहना चाहूँगा मैं जब इस शहर में आया था मुझे सबसे पहले और हमेशा जिस व्यक्ति ने सपोर्ट किया है वो है विपिन अनेजा मेरे आज जो भी रिश्ते हैं जिन भी लोगों से जिन भी सिंगर्स के साथ म्यूजिक डायरेक्टर्स या म्यूजिक कंपनी के साथ तो ही इज़ द पर्सन हु हैज़ टेकन मी फॉरवर्ड एवरीवेयर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर यहाँ पे जुड़ पाया हूँ तो उसमें विपिन जी का बहुत बड़ा हाथ है और अभी मैं एक और मूवी कर रहा हूँ टी सीरीज़ के साथ ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर देवेंद्र जी ने भी उसमें लिखा है और विपिन जी उसमें गाना भी गा रहे हैं हमारे साथ एक और जी सक्सेस पार्टी तो बनती है क्योंकि आज की इस भीड़ में जहाँ रोज़ 2 से 3 पंजाबी बड़े बड़े सिंगल्स लॉन्च हो रहे हैं उस भीड़ में एक गाना आता है विपिन जी का और क्योंकि हम वहाँ पंजाब में नहीं रहते तो ऑफकोर्स क्योंकि हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो हमारे लिए 1.5 मिलियन व्यूज़ जो 2 दिन में हो गए हैं ये बहुत बड़ी जीत की तरह ही है और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों का सपोर्ट और ब्लेसिंग्स रहेंगी और ये गाना इसी तरह से एक दिन 5 मिलियन व्यू क्रॉस कर जाएगा बहुत ही जल्द ऐसा मेरा मानना है थैंक यू अखियाँ रोंदियाँ ने मेरा दिल रोंदा है जद भी दूर अखियाँ तो मेरा यार हुंदा है नहीं ओ लंघदा इक पल भी पता नहीं हो कि मैं सारा दिन लंघना फिर तकदा तेरिया रुस जाने वाले आ तू किवें मलना कदे मिल जे ते समझावा मैं तेनू दिल दा हाल सुनावा मैं थैंक यू थैंक यू 1.5 मिलियन क्रॉस किया है जी आगे भी होगा जी तो सर किस तरह की खुशी है और किस तरह का मीडिया के साथ शेयर करना है बेहद खुशी है मुझे कि अखियां जो मेरा पहला नॉन फिल्म पंजाबी गाना है
क्योंकि अभी तक मैं जितने भी गाने गाते आया हूँ अपने करियर में वो हिंदी नॉन फिल्म या फिल्म सॉन्ग्स रहे हैं, और क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और दिल्ली से हूँ और मैंने स्टेज पे हमेशा पंजाबी गाया था, लेकिन आज इस दौर को देखते हुए जब पंजाबी मेन स्ट्रीम में भी बॉलीवुड में भी आ गया है तो मुझे लगा कि एक पंजाबी गाना करना चाहिए, और विभास जो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत ही उम्दा एक ट्यून बनाई, और देवेंद्र काफिर जी जिन्होंने बोलना जैसे और फिरंगी रंग भर दिया अपने लिरिक्स के, और गाना जो है वो बहुत कमाल का बन के निकला, और इसको टीम डीजी ने डायरेक्ट किया एंड आपके सामने है 1.5 मिलियन प्लस हमारे लिए भी जनता के लिए भी आप अखियां रोंदियां ने मेरा दिल रोंदा है जद भी दूर अखियां तो मेरा यार होंदा है नहीं ओ लंघदा दिल नहीं ओ लंघदा ला 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 पता नहीं ओ किवे सारा दिन लंघना कदे मिल जे ते समझावा मैं तेनू दिल दा हाल सुनावा मैं। इसके बाद बहुत प्यारा सा गिटार का पीस आता है जो सुशांत और बहुत ही प्यारी बांसुरी बजाई है अश्विन ने, और आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विद दिस अमेजिंग टीम दैट आई हैव वर्क्ड विद। सर बात करें तो गाने की काफ़ी अच्छे रहे, अपने भी गा के हमको भी सुना दिया, जनता को भी सुना दिया, सर आने वाले कुछ प्रोजेक्ट के लिए बताइए। वाले में ऑफकोर्स एक अगला नॉन फिल्म फिर से एक गाना होगा जिसके अंदर होपफुली इस बारी मैं चाहूँगा कि थोड़ा फुट टैपिंग हो। ये मैंने थोड़ा इमोशनल गाना किया बिकॉज मेरा पर्सनल चॉइस था ये गाना इस तरीके से हो, और इसके अलावा मैंने हाल ही में ए आर रहमान जी के लिए तमिल एक बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े एक्टर हैं उनके लिए गाया है, तो इस साल एक पंजाबी हिंदी साथ में तमिल ये तीनों गाने आने वाले हैं। है चौहान करके उसमें मैंने एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाया है जिसमें जिमी शेरगिल जिसके लिए जिनके लिए मैंने पहली फिल्म में साहेब बीवी और गैंगस्टर पार्ट वन में जिमी शेरगिल जी की टाइटल सॉन्ग था साहेब बीवी और गैंगस्टर पार्ट वन का जो मैंने और अंकित तिवारी ने गाया था, और अब मैं चौहान फिल्म में उनके लिए गा रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। ये ओवर द ईयर्स नर्चर करना पड़ता है इसको, धीरे धीरे आपके अंदर ही सब वो फीलिंग्स छुपी हुई होती हैं। हम बेसिकली डायरेक्टर्स के सिंगर्स हैं, तो हमारा डायरेक्टर हमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर है हमें वो जैसे गाइड करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको पकड़ लें, और फील तो हमारे अंदर ही है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो चाहे वो एक माँ के लिए सॉन्ग हो, वो सब हमारे लिए हमारे सब अंदर ही बसा है। उस चीज़ को उस समय अगर हम अपने डायरेक्टर की फील को पकड़ लेते हैं तो आई थिंक हमारी हाफ द बैटल इज़ वन। सो आई थिंक आई जस्ट फॉलो माई डायरेक्टर, वो जैसे मुझे गाना गवाना चाहते हैं मैं वैसे कोशिश करता हूँ। जी ऋचा जी, आज क्या कहना चाहेंगे, विपिन जी की एल्बम तैयार है और आज सक्सेस पार्टी रखी गई है। सक्सेस पार्टी मतलब पंजाबियों की एक नई शुरुआत कदम रखा है आज सक्सेस पार्टी। चलिए मैं बोल लेती हूँ। विपिन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, भाई हैं, और पिछले ऑलमोस्ट 20-22 साल से हम लोग दोस्ती में हैं और पूरी फैमिली हमारे घर के जैसे है, तो मैंने उनको डे वन से देखा है मेहनत करते हुए और बहुत हार्ड वर्किंग है, और अपने बलबूते पे बहुत ही अच्छे मुकाम पे आज पहुँचे और आगे उनको जाना है और वो जाएंगे। और इस जहाँ तक आज की बात है, मैं बहुत खुश हूँ, इतना सुरीला गाना है और वो तो गाते सुर हैं, सुर में हैं, बहुत सुर में गाते हैं, मुझे उनका पर्सनली उनको भी पता है कि मैं उनकी फ़ैन हूँ। सो मैं आज इसीलिए यहाँ हूँ कि उनको मैं दिल से ये बधाई देना चाहती हूँ कि इस गाने को बहुत बहुत सक्सेस और मिले और ऐसे ही वो सुरीले गाने लाते रहें। पंजाबी गाने हैं हमेशा हिट रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी पंजाबी गाने भी गाते हैं, तो पंजाबी का कितना एक अलग खुशी होती है गाने के लिए,
मैं तो गाने गाती हूँ, कोई भी मिल जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी लैंग्वेज है, बट जहाँ तक गाना है पंजाबी एक रंग ही बहुत ही निराला है, क्योंकि उसमें लोगों को चाहे वो सैड गाना हो, चाहे वो भांगड़ा हो, चाहे वो एक जनरली एक नॉर्मल बीट का गाना हो, लोगों को कुछ खुशी मिल जाती है, पंजाब का रंग ही निराला है। तो विपिन तो खुद भी पंजाबी हैं, वो उनकी पंजाबी बोली भी है, मैं तो यूपी की हूँ, हरियाणा की हूँ, बट लोग पसंद करते हैं, हर लैंग्वेज के लोग पंजाबी संगीत पसंद करते हैं, तो अच्छी बात है। और उनका ये पहला पंजाबी गाना आ रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक फ्रेश उनकी अलग चीज़ सुनाई दे, अलग देवेंद्र काफिर जी का बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, और यंग न्यू म्यूज़िक डायरेक्टर विभास, उन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया है, तो सब कुछ फ्रेश है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज की सक्सेस पार्टी में परफॉर्म भी करने वाले हैं, क्या आप भी एक दो गाना गाएंगे? मेरी तो हालत आप ये देख रहे हो आप कैसी, मुझसे बात भी नहीं हो रही है नहीं तो आज जो लोग देख रहे होंगे वो सोचेंगे मैं कोई और ऋचा शर्मा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे होती नहीं हूँ, मैं तो नाच गा रही होती हूँ। सो थोड़ा डाउन हूँ मैं आज, मेरी सर्दी बुखार जुकाम विपिन का था, इसलिए मैं तैयार व्यार होके पोत के आ गई हूँ कि मैं बीमार ना लगूँ। बिल्कुल, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं तो ऑलरेडी एडवांस में दे चुकी हूँ होली गिफ्ट, दैट इज़ फ्रॉम द फिल्म पद्मावत फिल्म से मेरा होली का गाना है, लोग पसंद कर रहे हैं, और वो होली पे आप सुनिएगा, उस पर डांस कीजिएगा। कलर से कितना परहेज है? बहुत ज़्यादा, मुझे गुलाल बहुत पसंद है, लेकिन सूखा गुलाल मुझे पसंद है। होली मेरा फेवरेट त्यौहार है बाय द वे, और मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में मनाती हूँ, फरीदाबाद में, तो मैं वहीं जाऊँगी, तो जो जो लोग सुन रहे हैं वहाँ पहुँच जाना मुझसे मिलने। थैंक यू। एक अलग से आईडी लेना मुझे, देना भाई। इस हालत में क्यों ले रहे हो? हाँ, ये सब यो सब सीख लो, यो बॉम्बे में। नहीं, इस तरह मेरा ये प्रोफाइल यार, मेरा ये अच्छा है। आप सारे प्रोफाइल से इधर आना, ओनली विजुअल से। या मैं विपिन जी की एल्बम के बारे में तो बाद में कहूँगा, मैं तो विपिन जी के बारे में बोल रहा हूँ। आई हैव नोन हिम सिंस 10-12 इयर्स एंड आई थिंक आई कीप टेलिंग हिम द सेम थिंग कि यार आपका तो रिवर्स मीटर जा रहा है। यू नो, एक फिल्म आई थी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, उसकी ना उम्र रिवर्स में जा रही थी। सो आई थिंक दैट इज द केस विद विपिन ऑल्सो, ही इज नॉट चेंज एट ऑल यार। एंड आई सॉ द वीडियो 3 days बैक, ही सेंट मी द वीडियो। आई वॉज इन सिंगापुर विद अ कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन, और रात को मेरे ख्याल से 3 की बात है, तो उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा, एंड आई सॉ द सॉन्ग, और मैं सिर्फ इन्जॉय कर रहा था गाना, बट मेरे साथ जो 2-3 दोस्त बैठे थे वो रो पड़े यार। एंड आई कॉल्ड विपिन भैया, एंड ऐसे विपिन भाई 2-3 लोग हैं, दे वर क्राइंग। सो आई थिंक इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग एंड इट्स फिनोमिनल दैट इन 2 ओनली द सॉन्ग हैज ऑलरेडी क्रॉस 1.5 million। सो हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशन विपिन भाई, एंड आई वॉन्ट सी मोर सॉन्ग्स ऑफ यू कमिंग अप इन द फ्यूचर। ओ पाजी, मैं तो देखो मेरी पैदाइश चंडीगढ़ की है, सो पंजाबी ऑब्वियसली आई एम ग्लैड दैट पंजाबी म्यूज़िक जो है इज़ फाइंडिंग इट्स वे इनटू बॉलीवुड एज वेल। और पंजाबी में ना एक अलग किस्म का दर्द है, एक अलग किस्म की जो है ना रूह है। सो और ये जो अंखियां जो इन्होंने गाना बनाया ना, उसमें एक अलग किस्म का इन्होंने जो चीज़ जो दर्द लेके आए, जैसे कहते हैं दर्द है, वो बहुत अच्छे से कैप्चर किया। एंड आई एम सो ग्लैड दैट विपिन भाई, क्योंकि मैं उनको ना गज़ल की वजह से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी गज़लें गाते हैं, बहुत अच्छा बॉलीवुड के ढिंचा गाने गाते हैं। I think this is one song which he's touched the right chord. सर ऐसा है, मतलब ये जब मैं चंडीगढ़ में था तो ऐसा कहते हैं कि भाई आलू और पंजाबी सिंगर कहीं पर भी हैं, पूरी दुनिया में हैं। एंड इट्स आई एम ग्लैड यार, नो आई थिंक देर इज लॉट ऑफ टैलेंट ऑल ओवर इंडिया, बट नॉर्थ इंडिया के लोग कुछ ज़्यादा ही खास होते हैं। मैन आई डोंट नीड टू से दैट। हाँ जी, धर्मेंद्र साहब हैं सर, कितने बहुत सर, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं कहूँगा मनीष हैं, भारती हैं, कपिल शर्मा हैं, अगर आप ये तो अभी इस जोन में हैं, आप रणविजय को देखिए, वो नॉर्थ से है, कितने ऐसे लोग हैं। आई एम नॉट टू श्योर व्हाट इज़ द होल थिंग, प्रॉबेबली वी जस्ट ब्लेस, आई वुड जस्ट से दैट, बट मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि सर नॉर्थ इंडिया में टैलेंट है, देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट ऑल ओवर इंडिया। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु ग्रू अप इन बॉम्बे,
immense talent. I have a lot of friends who've come from Ujjain. Brilliant guys. बहुत अच्छे लोग हैं यार. हाँ जी भाई. Running project क्या क्या? यार इस समय मैं एक web series कर रहा हूँ और उसके बाद जो है आई एम ग्लैड दैट हमारा मेरा और मेरे कज़न का जो एक प्रोग्राम है मिक्की विक्की का प्रोग्राम द सीज़न वन वॉज अ सुपर हिट. वी कमिंग अप विद सीज़न टू नाउ. द प्रोमो इज ऑलरेडी आउट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कम बैक ऑन द डिजिटल स्पेस सून नाउ. थैंक यू गाइस. थैंक यू एवरीबॉडी. नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन उत्रेजा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोवानी और आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं. यही दुआ करूंगा कि आपकी जिंदगी में रंग घुल जाएं और जिंदगी रंगीन हो जाए. ज्योतिष दुनिया का. हाँ जी, ज्योतिष दुनिया. ज्योतिष दुनिया सेम ऐसे ही. हाँ, ये लेफ्ट वाला कैमरा. नमस्कार, मैं हूं गुंजन उत्रेजा और आप देख रहे हैं ज्योतिष दुनिया. आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं. थैंक यू. यार मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ. मैं आई एम सो सॉरी, मतलब मैं कुछ नहीं पहनता. मैं हॉरोस्कोप पढ़ता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी माँ एक चीज़ कहती है कि जो फ्यूचर है वो आप अपने हाथ से लिखते हैं. इट्स अ ग्रेट साइंस, अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन इट, आई डोंट डिसरिस्पेक्ट, पर मैं नहीं विश्वास करता. मुझे लगता है कि जो मेरा आने वाला दिन है वो मैं खुद डिसाइड करूँगा कैसा होगा. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय फैमिली, माय मॉम. अभी तक तो ठीक ही चल रहा है. यार मैं विश्वास ही नहीं करता. मेरे लिए ना कोई फेवरेट है, ना कोई लकी है, ना मैं सुपरस्टिशियस हूँ. आई एम वन ऑफ दोज गाइज. मैं सोचता भी नहीं. इनफैक्ट इफ आई थिंक ये चीज़ मेरे लिए काम कर गई है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत लकी है, मैं उसको रिपीट ही नहीं करता दोबारा. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी कलर, एनी टी शर्ट, एनी थिंग. मैं कोशिश ये करूँगा कि उन सब चीज़ों से हटके कुछ नई चीज़ करूँ, सो दैट आई हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन माई ओन टैलेंट कि मैं क्या कर रहा हूँ. थैंक यू. ऋषि भैया ने कहा था मैं भेजूंगा पर मुझे भी ध्यान नहीं रहा जी. क्या डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत गाना है मैंने सुना और बहुत ही प्यारा वीडियो भी हुआ है जो बहुत प्यारा शूट किया गया है. सबसे अच्छी बात है कि उसकी कॉम्पोजिशन मुझे बहुत अच्छी लगी जो विभास ने बनाई है और डॉक्टर देवेंद्र काफिर ने लिखा है गीत को. और बहुत ही अच्छा गाना है, मीठा गाना है और मीठा गाना होने के साथ साथ उसका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा हुआ विच इज़ मोर यू नो बहुत अट्रैक्ट करता है. सो दैट्स अबाउट इट. पंजाबी सॉन्ग. मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी तो मुझे पसंद होगा ही. क्या कुछ गा कर दिखा देना जो मुझे पसंद है. अच्छा, मुझे पसंद हैं बहुत गाने हैं. चल कितना गुजारी आई रात हुए मंडा जी सविता दे बात हुए और एक 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 पूरा उम्र लग गई है इस प्रोफेशन में मेरी. और मेरे वालिद और वालदाएँ, मेरे डैडी और मेरी मम्मी शायद उससे भी ज़्यादा. और आज उनकी उम्र को अगर आप देखेंगे तो जितना पंजाबी म्यूज़िक आप सुनते हैं मोस्ट ऑफ इट इज़ डन बाय माय फादर. तो इसलिए पंजाबी गानों के लिए तो मैं आपको क्या बताऊँ, कौन से गाने से शुरू करूँ. काली तेरी गुत्ते परांदा तेरा लाल नहीं, दैट्स माय फादर्स सॉन्ग. ओके, यस. एंड देन देर आर प्लेंटी ऑफ अदर सॉन्ग्स जो आप लोगों ने शायद, आप तो खैर पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से वो गाने आए और अभी तक चल रहे हैं. तो ये गाना मैंने इसलिए आपको बताया. फिर और इतने सारे गाने हैं जो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती जिनको मैं अब गा रही हूँ और बहुत आते समय में बहुत अच्छे पंजाबी गीत जिनको बहुत अच्छी तरह से कलाबोरेशन के साथ मैं पिक्चराइज करके उनको प्रेजेंट करूँगी अपनी ऑडियंस के लिए. अगर बात जी बिल्कुल होली पर्व ऐसा है कि रंगों का पर्व है और इसमें दिल मिलते हैं, दिल खिलते हैं, लोग प्रेम प्यार से एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं. बस गुलाल लगाइएगा और गंदे रंगों से मत खेलिएगा, गुब्बारों से मत खेलिएगा. मुझे शुरू से बहुत डर लगता है. और होली एक बहुत मीठा, बहुत प्यारा त्यौहार है. फूलों से सजा दें और होली को अच्छे से मनाएं और किसी को भी तंग ना करें, बस इतना मेरा कहना है. थैंक यू. अरे आप दिल पे बहुत जल्दी ले लेते, आप थोड़ा पहले चिल कर. मैंने किया था ना आपका सहारा लिया, इसलिए बोल रहा हूं इतने टेंशन में मत आओ. बुरा लगता है ना, हंसते ना सामने वाले. मजा मैं हंस लूं नहीं, कोई मजा.
यस सर सॉरी यार चलो क्या कहना चाहेंगे विपिन सर के बारे में सुना उनका सॉन्ग आपने ऑब्वियसली मैंने शेयर भी किया है बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड मैं खुश हूँ इस बार कि इंस्टेड यूजुअली होता है कि हम सिंगल्स बनाते मेरे काफ़ी सिंगल्स में एक्टर्स भी रह चुके हैं वो नॉन फिल्म है नो डाउट बट नॉन फिल्म इंडिपेंडेंट म्यूजिक वो होता है जो आप अपने लिए करते हो और अपने फेस के लिए करते हो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एन आर्टिस्ट कीप्स डूइंग दैट अरमान भी कर रहा है अरिजीत सिंह भी करने की कोशिश में है अभी यू नो फिल्म से लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम नॉन फिल्म को देना चाहते हैं क्योंकि सिचुएशंस में कई हम बन जाते हैं यू नो फ्री माइंड से एक नॉन फिल्म सिंगल जब बनता है जैसे मैं रहूँ या ना रहूँ इट रीचेज आउट तो आई थिंक द वीडियो इज़ ब्यूटिफुल ही इज संग रियली वेल आई लव हिज वोकल टोन एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद हिम क्योंकि मेरे सब स्ट्रगलिंग डेज में मेरे सब स्क्रैचेज जब मैं बनाता था दैट टाइम विपिन अनेजा सर यूज़ टू कम होम एंड यूज़ टू हियर ऑल माई सॉन्ग्स एंड यूज़ टू टेल मी कि ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है और इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आई लव हिम एज अ पर्सन यू नो आई एम समवन हु कनेक्ट्स ऑन दैट लेवल मैं जस्ट बिकॉज इज अ ग्रेट सिंगर आई एम नॉट हियर आई एम हियर बिकॉज इज अ रियली नाइस पर्सन मुझे भी नहीं पता आजकल गाने करते पता नहीं एंड तक जब तक रिलीज नहीं होते तब तक पता नहीं कौन से बट बाजार करके एक फिल्म है सोनू की टीटू के जो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है लव रंजन उनकी नेक्स्ट फिल्म एक है अजय देवगन सर के साथ उसमें थोड़े गाने हैं अरमान के साथ एक सिंगल है तो धीरे धीरे इस साल मैंने ऑलरेडी 2 साल में 57 सॉन्ग्स किए और सिर्फ 2-3 रीमेक किए तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ है कि मैं अभी 27 साल का हुआ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ थोड़े शोज़ करूँ जिन्होंने मेरे सॉन्ग्स को इतने लेवल पे लेके गए ऑल द फैंस ऑल दोज यंग किड्स कॉलेजेस में मैं उनके लिए जाके परफॉर्म करता हूँ तो मेरे लिए सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है कि द पीपल हु मेड माई सॉन्ग सो बिग मैं उनको एक गिव अवे समथिंग आई हैव टू गिव बैक टू देम तो फिल्म से ज़्यादा इस साल में कॉन्सर्ट्स एंड टू रीच आउट टू एवरी दैट हार्ट जिसने मेरे एक म्यूज़िक को यहाँ तक पहुँचाया ये मैं उस जर्नी पे हूँ फिल्म जो आती है और जहाँ मैं कनेक्ट करता जो बड़ी छोटी जैसी भी मैं उनमें नहीं मानता जहाँ एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ एक रिलेशनशिप बन जाती है और एक वाइब है कि हाँ इनके साथ मैं आई कैन बी माई सेल्फ वहाँ मैं काम करता हूँ सर अगर बात करें हम पंजाबी सॉन्ग्स की तो काफ़ी ट्रेंड में है तो क्या आप कभी ट्राई करना चाहेंगे पंजाबी सॉन्ग आई थिंक डिपेंड करता है मुबारका जैसी फिल्म में मैंने भी गोगल पाके नची जट जाग और ऐसे गाने किए हैं इट डिपेंड्स फिल्म पे कम्प्लीटली बट मेरे को ये लगता है कि कभी कभी हम लोग पंजाबी म्यूजिक पे ज़्यादा यू नो वो निर्भर है हम लोग यू नो वी फील कि ओनली दैट वर्क्स बट ऐसा ज़रूरी नहीं है जो हिंदी गाने भी है जैसे बद्री की दुल्हन है या टाइटल सॉन्ग इट्स नॉट पंजाबी बट इट्स अ 400 मिलियन सॉन्ग तो वो सब चीज़ें भी ज़रूरी है मेरे को लगता है जहाँ नेचुरली आ रहा है वहाँ करना चाहिए आजकल इट्स नॉट बैड इट्स ग्रेट बट सभी गाने फिर पंजाबी हो जाते हैं यू नो तो वो एक डिफरेंस हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एनीवेज डूइंग पंजाबी अगर बात करें हम आपकी पर्सनल चॉइस की तो कितना पसंद करते हैं आप पंजाबी सॉन्ग जैसे दिल दिया गल्ला इज अ ग्रेट पंजाबी सॉन्ग आल्सो तो वो डिपेंड मेलोडी जहाँ पे है ना इन एनी सॉन्ग मैं रब बदलते देखे आज जिस्मत ये सब दीज आर सॉन्ग्स विच स्ट्रेट गो हियर तो देयर इज नो प्रॉब्लम जहाँ आप जान पूछ के कर रहे हो कि ये करने से गाना चलेगा दैट इज नॉट श्योर कि वो चलेगा इट हैपेंस लाइक हाउ गुरु रंधावा इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब बट इफ एवरी वन ट्राइज टू बी हिम तो फिर वील नॉट सक्सीड देयर इज ओनली वन ऑफ एवरी वन यू नो दैट्स व्हाट मैं बोला सब लोग एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हैं थैंक यू सो वी जस्ट नीड वन आईडी दैट इज हाय योर नेम एंड यू आर वाचिंग एस्ट्रो वानी ओके कूल चलो सो मुझे बहुत ही खुशी है कि विपिन ने एक इंडिपेंडेंट गाना रिलीज़ किया है एंड मैं उन्हें बहुत सालों से जानती हूँ उन्होंने लिटरली मुझे बड़े होते हुए देखा है और जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया था उन्होंने काफ़ी जगह मुझे रेकमेंड किया है वेर आई रिमेंबर दैट यू नो ही वॉज सच अ बिग स्टार इन दिल्ली एंड मैं स्कूल से बस निकली थी सो आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड अंखियाँ इतना खूबसूरत गाना है एंड आई होप कि यहाँ पर वो कॉमा ना लगाएं और रिलीज़ करते रहें और भी गाने मैम अगर बात करें हम पंजाबी सॉन्ग्स की तो वो काफ़ी ट्रेंड पे हैं आजकल तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में आई थिंक पंजाबी समहाउ एक मास लैंग्वेज बन चुकी है यू नो मुझे लगता है कि पंजाबी में कुछ तो ऐसी बात है जो सिर्फ हिंदी स्पीकिंग और सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रही हूँ मैंने पंजाबी म्यूज़िक पे जर्मन्स को जापानीज़ लोगों को अफ्रीकन लोगों को नाचते हुए देखा है जिन्हें इस गाने का कोई मतलब ही पता नहीं था सो आई थिंक इट्स जस्ट एक बीट होती है जिस पे शायद लोगों को मज़ा ज़्यादा आता है सुनना चाहिए पंजाबी पंजाबी में तो
मेरा एक मिक्सटेप पंजाबी का गाना भी रिलीज़ हुआ था, आई थिंक साल के एंड में रिलीज़ हुआ था, प्रॉब्ली 18 December को, तो मैं आपको वो सुना देती हूँ. अंदर से आवाज़ आ रही है तो शायद मिक्स हो जाएगा. बट जलवा तेरा जलवा जैसे तूफान है जाना, चेहरा तेरा चेहरा मेरे बहजान है जाना, हो गला गोरिया ते बिच टोए असी मर गए नी ओए होए ओए होए दुहाए बह गई गुड़ी कढ़ के काल जा कढ़ के काल जा ले गई. थैंक यू मैम. अगर हम बात करें फिल्म के सॉन्ग की तो वो इतना वो तो ठीक है, लेकिन जब हम नॉन फिल्म सॉन्ग को रिलीज करते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फेस करते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है कि मीडिया ही नहीं सपोर्ट करती है, यू नो. सो सीरियसली एंड आई एम नॉट किडिंग, इंटरव्यूज़ हो जाते हैं लेकिन चैनल्स गाना नहीं प्ले करते हैं. रेडियो पे आ जाते हैं, बातें होती हैं, गाने के बारे में बातें होती हैं, लाइव परफॉर्मेंस होती है, लेकिन गाना नहीं प्ले करते क्योंकि उनकी पॉलिसी में नॉन फिल्म गाना फीचर करना है नहीं. सो इस बार भी रेडियो मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स पे जहाँ पे मैंने होस्ट किया था, शबाना जी ने आके इस बात को सबके सामने रखा था कि आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आप नॉन फिल्म गाने बजाना शुरू करें, फिर कैटेगरी में अवार्ड देने का मतलब भी बनता है. सो आई थिंक दैट वाज सो इनक्रेडिबल. सो आई थिंक सबसे पहले अगर ये हो जाएगा ना तो फिर और बहुत लोगों को हिम्मत आएगी अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक बाहर रखने के लिए. मैम होली आने वाली है, क्या प्लान्स करके रखे हैं होली? अरे कॉमेडी हो गई इस बार तो मेरे साथ में, मुझे पता ही नहीं था होली किस दिन है. और फिफ्थ तो सेकेंड को है होली, फर्स्ट को है? हाँ तो सेकंड को मैं तो होने वाली हूँ गैंगटॉक में. मैं एक छोटी सी छुट्टी के लिए जा रही हूँ बिकॉज उसके बाद में दो दिन बाद फिफ्थ को मेरी एनिवर्सरी है एंड आई एम परफॉर्मिंग ऑन माय एनिवर्सरी इन सिलीगुड़ी. तो हमने सोचा उसके आसपास एक छोटी छुट्टी मारी जाए तो हम वहाँ मनाएंगे. मैम कितना रंगों को कितना पसंद करती हैं आप? आज मैंने थोड़े हल्के रंग पहने लेकिन मैं सिर्फ बहुत मल्टी कलर कपड़े ही पहनती हूँ यूजुअली. रंगों से खेलना कितना पसंद? बहुत बहुत पसंद है. अब मैं अंदर जाऊँ. मैम एक होली के लिए फैंस को होली विश कर दें अगर आप. अब चलते हैं. थैंक यू वेरी मच. आई विश एवरीबॉडी अ वेरी 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 हैप्पी होली. थैंक यू. थैंक यू. दो लाइन का एक अलग से इंटरव्यू था. नहीं हो गया यार. So my name is Manish Giri. I'm basically from Sydney and I have actually worked in a lot of reality shows and some of the acting in Hollywood industry as well as in Australian industry. So of course for me it's been like a couple of months in India basically. So I've heard about a lot of what Bollywood and even like a lot of singers over here, and I'm like passionate about singing and as well apart from doing the hosted shows. So this is me actually. And of course he's a good friend of mine, Vijay, and I know a lot of singer friends. I have actually worked with Mika Pati as well when I was in Sydney. So he just asked me to come over here and give him a cheer up to him, and you know like and that's why I'm over here. सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका बिग ब्रदर रहा है, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था बिकॉज वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था, यू नो लाइक मीटिंग ऑल दी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओवर देयर, सबके साथ उसकी यू नो लाइक बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, उनका पहले का काम, उनकी कंट्रोवर्सीज, सब कुछ डिस्कस करना एंड आफ्टर दैट टू पुट अक्रॉस इन द मीडिया इन फ्रंट ऑफ लाइक यू नो नर्चर करना सब चीज़. सो इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स इट वॉज सो हैक्टिक एज वेल बट आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम देयर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. फ़र्क ऑफ कोर्स लोग ऐसा कहते हैं कि हर एक चीज़ लाइक यू नो लोग बाहर से कॉपी करके यहाँ लाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग चीज़ है. ये एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि बिग बॉस इज़ मच मोर यू नो लाइक पॉलिश्ड एज कम्पेयर टू देयर एंड दिस हैज़ अ लॉट ऑफ यू नो लाइक यू कैन से लाइक टीआरपी स्टफ एंड ऑल स्टफ. ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बिग ब्रदर बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. बट ऑफ कोर्स बोथ आर डूइंग वेल इन देयर ओन वे. मैम
जी सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग होस्टिंग शोज एंड ऑल स्टफ आई एम एंटरप्रेन्योर इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years आई एम मेकिंग मोबाइल ऐप्स आई एम डूइंग प्रमोशंस फॉर द ऐप ओवर हियर इन इंडिया आई हैव वर्कड विद कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट मिंत्रा आई हैव मेड माई ओन ऐप कॉल्ड क्लब फैक्ट्री विच हैव सोल्ड टू द चाइनीज इन्वेस्टर्स सो दैट इज़ द अदर पार्ट ऑफ माई लाइफ एज अ एंटरप्रेन्योर एंड रिसेंटली यस्टरडे आई हैव गॉट अ एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मोदी अवार्ड की तरफ से जो मुझे मिस्टर आर एल भाटिया ने एंड नास्कॉम के सबसे लाइक नामी गिरामी आदमी सीईओ ऑफ नास्कॉम उन्होंने मुझे अवार्डेड किया ताज लैंड्स एंड में आई गेस वो ऑलरेडी ईटी नाउ में लाइव ऑलरेडी हो चुका है एंड आफ्टर दैट दे गोना पुट मी इन स्टैंडर्ड लाइक बिजनेस स्टैंडर्ड के मैगजीन के फ्रंट पेज में सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ माई फर्स्ट अवार्ड इन इंडिया बेसिकली Vipin Aneja, so huge round of applause for the lovely music that he's putting out. Non-film is